आपके घर की टूटी हुई कौम यानी कंघी आपको मुश्किल में डाल सकती है। जी हाँ, मैं ब्रजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि यदि आप टूटी हुई कौम यानी कंघी के साथ अपने बाल सवारते हैं, बाल बनाते हैं, तो आप अपने राहु और शनि को खराब कर रहे हैं, जिससे कि केतु बहुत बुरा फल दे जाएगा। यह टोटका लाल किताब काली किताब का है। यदि टूटी हुई कंघी आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अधिक नुकसान हो सकता है। यह नुकसान आर्थिक भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है। बहुत सारे लोगों में हमने देखा है कि जो टूटा हुआ कौम इस्तेमाल करते हैं उन पर कर्ज चढ़ जाता है, आर्थिक तंगी आ जाती है, बहुत सारे सरदर्द से पीड़ित हो जाते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा में कम नंबर ले पाते हैं। यानी इससे नेगेटिव वाइब्रेशन इधर उधर फैलती है। टूटा हुआ कौम, टूटा हुआ शीशा, टूटा हुआ कप, टूटा हुआ पेन, इन सब चीजों को इस्तेमाल करने से नेगेटिव वाइब्रेशन का वास हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव वाइब्रेशन ठीक ढंग से हमारी बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाती है। टूटा हुआ कौम जब हम अपने घर में रखते हैं तो टूटी हुई चीजें, क्योंकि टूटी हुई चीजों पर जब हमारी दृष्टि जाती है तो नेगेटिविटी आती है, और नेगेटिविटी आने की वजह से नेगेटिव वाइब्रेशन का वास हमारे निवास पर होने लगता है। कोई भी बुरी वस्तु देखकर हम बुरा सोचते हैं, टूटी हुई वस्तु देखकर हम अटकते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं कि ये टूटी हुई है, नहीं टूटी हुई होनी चाहिए, बदलनी है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन इमीडिएटली आ जाती है। इसलिए तत्काल रूप से टूटा हुआ सामान आपको घर से निकाल देना चाहिए। टूटा हुआ कौम किसी भी अवस्था में आपने इस्तेमाल नहीं करना है। नवविवाहिता लड़की यदि इसे इस्तेमाल करती है तो पति के साथ अनबन होती है। बिजनेसमैन यदि इसे इस्तेमाल करता है तो उसकी डील कैंसिल होती है, व्यापार में घाटा होता है। यदि हाउसवाइफ गृहिणी यदि इसे इस्तेमाल करती है तो पति के साथ झगड़ा होता है। विद्यार्थी इस्तेमाल करते हैं तो परीक्षा में नंबर कम आते हैं, स्कूल में अपमानित होना पड़ता है। इसलिए किसी भी अवस्था में कोई भी व्यक्ति, नौकरी वाला हो, बिजनेसमैन हो, क्योंकि नौकरी वाला करेगा तो वो अपने ऑफिस में अपमानित होगा, ऐसा कौम कभी इस्तेमाल ना करें। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं। लाल किताब क्या होती है, लाल किताब के उपाय क्या होते हैं, शायद आप नहीं जानते कि लाल किताब के उपाय व्यक्ति की जिंदगी संवार सकते हैं। मैंने भी लाल किताब लिखी है, चार किताबें और लिखी हैं मैंने, जो साधना पॉकेट बुक साहनी पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित की जा चुकी हैं। यदि आप चाहते हैं कि मुझसे संपर्क करें, कोई मुझसे सवाल पूछें या अपनी जन्म पत्री ही दिखाएं, तो आप कृपया व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिए, सवाल मत कीजिए, फोन मत कीजिए। जन्म पत्री आप हमें दिखा सकते हैं, कुछ रूल्स हैं जन्म पत्री दिखाने के, वो आपको व्हाट्सएप पर बता दिए जाएंगे। कोई और सवाल पूछना है उसका कोई रूल्स नहीं है, लेकिन व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। मेरा नंबर है 9814450802, स्क्रीन पर भी आ रहा है। इजाजत दीजिए, जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।